પીપીઆઈ કાં ગોછન વારે આજ અમાર સંગ બેઠો शहर बाड़े हम एक बारात में चले गए छोरी को ब्याह तो हमारे जंगल में तो जब छोरी घर से लिख रहे अरी माँ तो बाकी भैया काका मूड पास फेरे बेटा संसार की रीत है जा अपने घर की ये कैर बाड़े का ना करे छोरी लिख रहेगी और बाग भैया बगल में करेगो छोरी अरी माँ करेगी जब निवासन में करेगो वो बस दूल्हे से कहेगो अरे लिया था साड़ा लिया जाया फिर करेगो थाड़ो तो कड़को हो तो कड़को और सिरदारो सुन हमारे जंगल में दूल्हे जब बारोटी पे आवे जब बैयरवानी गांव में सुनो ने किड़बिड़ किड़बिड़ा बंद करो सर गान का गा रही गा रही मैंने सुनियो तो डटने के लग जाएगा नौकर त्यार कहिए तो ना लगे नंद राम जी क्या ऐसे आप न्यावत दिन छिपे पीछे बुरा को मैं सुरज बात को घबरा मत मंदिर में हमारे यहाँ दूल्हे बारोटी को आवे तो गुजर समाज में पूरी आगे जी जिया चौधरी घोरो घोरो नजीक पहुंच गो नंदराम जी तो पंच पटेल पंडित श्लोक बोले ऐसे बारोटी हो छोड़ छापरी कैसे गांव में वो दूल्हे लायो कामाला को फूला बालैया मैया ढाबा से ली जो रे और यह कैरवाड़े बनाए गांव डोकरी में ठाड़ी कर देंगे जिनके सायन में झंके और खुजार खुजार के पेटन पे क्यारी भरा और दो ग्रीन के लंबे पेट से थकावली का भल्लो था और थोड़े पर्दा की बात है अगर लड़का लड़की जबाने फिर पट्टा देने तो हमारे जंगल में तो पट्टा नबलते रह जाएगा इनके पे डोकरी सिंगल करे जब दूल्हे बारोटी को आओ जब नुखयन में करेंगे डोकरी लाडा बरपोरी पे आयो और लाडी बारी ढील जब हम जान जाएंगे ना फिर पट्टा न्यारी रीत है हमारे माओ शुभ काम हुए मकान की नीम लगे कुआ को बोरंग को डुबो लगे तो छोड़ छापरी गाव करे साहब अरे तरा नरी अलग को हो पेडायू पर गेंदा अलग यो पहलो बदायो जेठानी घर आयो तो मतलब नंद को नंदेव को देवर को दोरानी को नाम लेती रही बढ़ाती रही इनके मोरोलो ही मना गांव में ऐसे बड़े बूढ़े के अरे बधाए गांव जब ने करेंगी वो ढोला आयो आधी रात घूटे हेलो दो दो कोस पे बोली बदले हमारे जंगल में समदी मेहमान आमे जब छोड़ छापरी गारी गांव में अरे होले होले परोसी अब मुकेश मेलो होए दुपट्टा रंगे परोसे गो या मैथ नाम न गांव में भाई नादारी हम जाए बड़े बूढ़े के अरे गारी गाओ दिन पे गाय बोल ना आवाज हमने करेंगी तीतर बोल कबूतर बोलियो गोविंदा को सारो मारियो सारे को बड़ सारो मारियो दैदारी के धू हरी बाय खेरे में बोलियो री बड़ हम सग बातन में समझ गए तो बड़ सारो या गांव में कौन तके का हमार गांव में तो बद्दी पीछे आई तके राम जी के
तो पूरे दिन प्लॉटिंग करी परेशान है जी। अब बस सीटा नहीं कहा पतो कि कितने परेशान है कहां पे आए जो पंडित आनी आगरे मांग चबर चबर बोले कैसे सो रहे हो जल्दी से बैठे है जाओ दूध पी लो। जब कह रहे जैन साहब को शांत रहो भूटान से आया हूँ आई होगी इतनी एक देर में इनकी भैंस रड़क में लग गई पटाख ढेंग ले गई पटा हुए से निकम्मो झपना लगा कर बोकार आ गो। जब उससे टाइन कह रही है कि एक तो घर पर हो पटा तू भूटान से सब बड़े बूढ़े बोते इन भैंसन पर आगे छोरे तो भा दे सब बड़े बूढ़े बोते प्यारी सोगन जित एक सिरदारी का है मैं नंगड़ आ रही सग बोते हैं जान का चक्कर अंदा तो है पिन साहब बड़े बूढ़े हैं गहरे जन में राखे तो खतर ने रुपया लिख रहे मैं इनका धनी तो बिन में रहे बिन में कंपनी ने अबे वन ठेन के लिख रहे तब करे राम राम साहब भैंस ज्यादा रखते हैं और पहाड़ी एरिया है ज्यादातर जी साहब ब्रज क्षेत्र में पढ़ाई का शिक्षा का बहुत कम प्रभाव है वहाँ। अब तो धीरे धीरे कुछ तीव्र गति आ रही है तो ज्यादातर भेड़ बकरी पे बड़े बूढ़े रहते हैं और उनकी वंशज है वो भी लड़का लड़की भी भेड़ बकरी पे ही रहते हैं। वहां के एक पटेल जी बकरी चरा में अपना छोरा भी बकरी पे छोरी भी बकरी पे छोरी शादी के योग हैगी जब छोरी की लगन जा रही तो बाप ने कही बेटी आज तू मत जाइयो आज लगन पे तो चौकी पे बैठ लो। लड़की कह रही है काका मैं तो छीन पे जाऊंगी बकरी ब्याह हार है रही है लगन है और चौकी पे हमारी अम्माएं बैठा दी ज्ञान नहीं है व्यवहारिक ज्ञान नहीं सामाजिक ज्ञान नहीं। उस क्षेत्र के महामहिम हमारे कनी भगत जी हैं जो विराजमान है बहुत अच्छे भक्ति ज्ञान है जिनको आदरणीय जाकर पंच पटेल भी है वह क्षेत्र के इनते बेटी बारे ने कही कि यार कनी भगत जी हमारी छोरी की शादी है जन कैसे बकरी है ते उसकी इच्छा नहीं कर रही शादी की जब पैर खरान डरे तो कनी भगत जी गए कनी भगत ने वो लाली को हाथ पकड़ के 5-7 ML साहब चांटे दे दिए तेरी हरकत सुन ले तू शादी पे मना कर रही है ए, 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 भगत जी ए भगत जी पी तो मत और परसों पर आता तो चुपचाप बैठी रहेगी बोल बैठी रहूंगी सतारो बारात आई तो छोरा छोरी की जो भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारे विप्रदेव है फेरा पारे दोनों लड़का और लड़की फेरान पे बैठ के पंडित जी हमारे विद्वान हथलोई दे दियो फेरा पर रहे आगे अग्नि साक्षी ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम पुण्य उतास्तम गणत ध्वजा हरिहर मासा नाम मासा मिति वैसा कृष्ण द्वादशी सकल पक्ष कन्या पक्ष वर पक्ष गौदान शिवदान ब्रह्मादि विष्णु देवदेवसम फेरान के झड़ा के उठे छोरी इतनी परेशान है कि 3 घंटा आसन पर बैठी कभी इधर हो कभी इधर हो छोरी जान रही है कि पनिशमेंट ही दंड मिल रो जो केवल पैर में बकरी चल गई जाती छोरी ने घूंघट उगाया और अपने दूल्हे को हाथ पकड़ रहा है जब वो दूल्हे से कह रही है ए भैया तेरी काका कनी के पैर में बकरी चली गई अब आदरणीय गोविंद जी आप खड़े जाओ सरदारी और मेरा समाज से सभी कास्टों से निवेदन है कि दारू धक्कड़ बिल्कुल नहीं पी में पढ़ाई लिखाई पर ध्यान बहुत विशेष बात तो सुमिर श्री भगवान गुरु को ज्ञान हरी की माया और सुरता करो विचार बनी ये 5 तत्व से इन 5 की वीर करे रखवारी जाके संग लगे करी मंगल भवन अमंगल हारी दुर्बोस दशरथ अजर बिहारी मेरी अमर रहे सरदारी या में बैठे हंसाजारी मेरे जीवन की फुलवारी कौआते कोहिलकारी जो तो लगे जीव ते प्यार ऊदा देव सह बनवारी जाकी शेष करे रखवारी सीता राम हरे बोलो देव नारायण भगवान जय। सरदारो मास्टर जी ने अवगत कराया को ब्रिज है और वास्तव में ब्रिज है नहीं एक दिन आप खो गए हो तो मुझे 5-8 आदमी चौलहरा के मिल गए बाजार हाट काम आए रामा कृष्णा हुई राजी खुशी पूछी
कौन साहब राजी खुशी है मैं राजी तो सरदारों मां ऑटोमेटिक प्रसंग छड़ दो के दूध अन्न में श्रेष्ठ दूध काय को जब एक चुनहरा को कह रहे हो बकरिया को एक बोलो भैंस को एक बोलो गाय को मैंने भाई नाथदारो नाराज ना हो तो मैं बताऊं सबसे श्रेष्ठ दूध है माँ को माँ के दूध में तीन फायदा है सरदारों में कौन कौन से क्या माँ को दूध गर्म करनो ना पड़े माँ के दूध है कुत्ता बिल्ली ना करना और माँ के दूध में मीठो मिलानो ना पड़े जब एक चुलहरा कह रो है एक नोटा बारे एक फायदा लगता था मैं तो बताइयो भी मई याद नहीं भी घूटो नहीं छोड़ जी कौन सा काम है मैं नोटा कहा जा रहे हो चौरासी पुष्ट क्या आप इतनी मेहनत कर रहे हो यहाँ से क्या फल मिलेगा कह जी नो कहे के भक्सागर के पार है जाए सुरख को चले जाए सुरख को हमारी बिमला और गई है एक छोरी बा को पतो ना है बात का राजू किसी है तुम पे मैं कोई पाई फिर बात दूध ना हो मैं बोलियो पांच बजे डटो ना मैं बैठा लियो मैं जब बैठ गो तो बन्नी में 5 किलो घ्यो ले आई तो सरदारो में बात घ्यो लेके चलो और कनी भगत आयो के भैया खोबा रोटी कर और चाहे और कोई रसोई कर देसी घ्यो में कर के घ्यो तो लोठा को कुए में तो लेगो कौन को क्या हमारे छोरी को बिबला अरे मैया तू ने बैठी या ने घोटी लाई मेरे पीछे दई तो सरदारो डर के मारे गांव नजीक मैं एक भर के पेट में चिंडो या ने घोड़ी चर के नीचे बांध दई बगल महकेर में दूसरी डार महकेर एक डार पकड़ के नीचे कूद यार घोड़ी बैठ के भेगो का तो मुंह से कह रो है अरे घो तो ले जा फिर बिबलाल दही दे दी जा घोड़ी